दोस्तों, इस धरती पर तीन ऐसे पहलवान हुए हैं जो कि प्योर शाकाहारी थे, लेकिन उनसे ऊपर आज तक कोई भी इतना बड़ा पहलवान बलशाली व्यक्ति नहीं हुआ। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इसको जानने के लिए आप वीडियो से जुड़े रहिएगा और अंत तक देखिएगा। अंत में जो हम बताएंगे वो बड़ा ही शक्तिशाली व्यक्ति हुए हैं और जिनको दिल से नमन करने का हक आपका भी बनता है। जी हाँ दोस्तों, तीन के बारे में मैंने बताने का वादा किया। नंबर एक पर आते हैं भीम, जो कि अर्जुन से बड़े थे और युधिष्ठिर से छोटे थे, पांडु के लड़के और कुंती के पुत्र थे भीम, जिनको कहा जाता है कि उनके अंदर 10 हाथियों का बल था। हालांकि वो जन्म से ही इतने बलशाली थे और बुद्धि में भी इतने शार्क नहीं थे, इतनी तीव्र बुद्धि नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके अंदर बुद्धि होती है उसके अंदर बल नहीं होता, जिसके अंदर बल होता है उसके अंदर बुद्धि कम होती है। लेकिन भीम के अंदर बुद्धि कम होने की वजह से बल बहुत अधिक था। दूसरे नंबर पर आते हैं राममूर्ति नायडू। राममूर्ति जी का जन्म 1882 में चैत्र के महीने में आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव वीराघट्टमपुर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनकी बात करें तो ये 10 साल की उम्र में इतने कमज़ोर थे, इनको हर कोई चिढ़ाता रहता था स्कूल के अंदर, और ये सांस के बहुत बड़े रोगी थे और डॉक्टर इनकी एक से एक दवाई चलाता था, लेकिन इनको आराम नहीं आता था। तब डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि आप रोज़ प्राणायाम और व्यायाम कीजिए, जिसके बलबूते पर ये आगे चलकर वर्ल्ड के चैम्पियन बने और इन्होंने बहुत जगह महारत हासिल किया। राममूर्ति जी ने रेसलिंग के दौरान 500 किलो वजन उठाया था और कहते हैं कि हाथी को अपनी छाती के ऊपर पैर रखकर चलने को मजबूर किया और अनेकों गाड़ियां रोकी, गाड़ी को एक कदम भी आगे नहीं चलने, एक इंच भी आगे गाड़ी खिसक नहीं पाई जिस गाड़ी को उन्होंने अपने हाथ से पकड़ा था। ये था चरित्र राममूर्ति जी का, इसी वजह से वो फेमस हो गए। तो इसी के साथ चलते हुए और देशों विदेशों में, कई देशों में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। तो राममूर्ति जी के बारे में, इनका पूरा नाम है राममूर्ति नायडू जी, तो इनके बारे में आगे किसी दूसरी वीडियो में पूरा बताएंगे, आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। इसके बाद आपको ले चलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी भी प्योर वेजिटेरियन थे। उस समय के, जिस समय रामचंद्र जी, उस समय के नंबर वन के योद्धा माने जाते थे, लेकिन साथ में बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता भी थे। एक कहे तो उनसे बड़ा ज्ञाता उस समय कोई नहीं था, रावण वीर उनसे ऊपर नहीं था। इतने बड़े होने के बावजूद सेनापति के रूप में कार्य करते थे सुग्रीव के यहाँ, तो लेकिन उसके बाद रामचंद्र जी के यहाँ सेवादार बनकर भी रहे, कहीं तो सेनापति का नेतृत्व भी किया सेना का हनुमान जी ने। हनुमान जी एक हमारी तरह ही व्यक्ति थे, जंगल में रहते थे, लेकिन वेदों में पूर्ण थे, अस्त्र शस्त्र में पूर्ण थे, हर विद्या में पूर्ण माने गए, वो ब्रह्मचारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जो शुद्ध शाकाहारी रहे हैं आज तक भी, लेकिन वर्ल्ड में इनका नाम गूंजता है आज तक। हालांकि अब देखा जाए इतने बकरे, इतने मुर्गे, अंडे 40-40 अंडे एक एक दिन में खा जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। शरीर बनाने के लिए उसी शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन उनका नाम नहीं होता। इन्होंने शाकाहारी रहकर भी अपना नाम कमाया है, तो सोचिए नेचुरल चीज़ों में कितनी ताकत होती है। ये इनके इनके बारे में जानिएगा, पढ़िएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों, राममूर्ति नायडू जी का जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, सबको बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके जो भी देखिएगा।